नमस्कार साथियों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं यूजीसी क्लासेस बाय एग्जामपुर चैनल पर। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से भंडारे की तरह क्वेश्चंस का भंडारा, भूगोल के क्वेश्चंस का भंडारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और सबसे खास यूनिट आज स्टार्ट होने जा रही है। सुशील दुबे जी, संतोष कुमार जी, रेणु सिंह जी, सभी लोगों का क्लास में स्वागत है। आप एक बार फटाफट से क्लास को शेयर करिए, जिससे कि जो साथी आपके क्लास को नहीं देख पा रहे हैं वो फटाफट से क्लास से जुड़ जाएं। और देखिए, सबसे शानदार यूनिट भूगोल की स्टार्ट होने जा रही है, जिससे कि विद्यार्थी अक्सर कर डरते हैं, थर थर कांपते हैं। भौगोलिक चिंतन, मैंने सबसे पहले, चूंकि यूजीसी नेट की परीक्षा महीने डेढ़ महीने में संभावित है, और इसीलिए मैंने सबसे पहले उसको हार्ड टॉपिक को स्टार्ट कर दिया है। और आज हम भौगोलिक चिंतन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूनानी चिंतकों से रिलेटेड, उनकी चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि ये जो भौगोलिक चिंतक हैं, इनका अध्ययन क्यों किया जाता है? इनका अध्ययन इसलिए किया जाता है कि भूगोल के ऐतिहासिक पक्ष को जान सकें, हम जान सकें कि किस विद्वान ने कौन सा मत प्रतिपादित किया और उस मत ने भूगोल के विकास में कितना योगदान दिया। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम इस यूनिट का अध्ययन करते हैं, भौगोलिक चिंतकों का अध्ययन करते हैं। भौगोलिक चिंतकों में जो समय रहा आपका, देखिए, भौगोलिक चिंतकों में एक समय रहा आपका 600 बीसी से 300 एडी तक का समय, और 600 बीसी से यानी कि 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का जो समय था बेटा, उस समय को क्या है, उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं, उस समय को हम लोग बोलते हैं शास्त्रीय काल। क्या बोलते हैं? क्लासिकल पीरियड, शास्त्रीय काल। शास्त्रीय काल के नाम से इस समय को हम लोग जानते हैं, क्लासिकल पीरियड के नाम से इस समय को हम जानते हैं। और शास्त्रीय काल जो समय है, क्लासिकल पीरियड जो समय है, वो समय, ध्यान रखिएगा, वो समय यूनानी चिंतकों का एक बहुत महत्वपूर्ण समय था। यूनानी चिंतकों ने इस दौरान भूगोल को क्रमबद्ध रूप से प्रारंभ करने में बहुत योगदान दिया है, प्राथमिक तौर पर उसे सुसज्जित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। भौतिक भूगोल के क्षेत्र में, समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में, इत्यादि क्षेत्रों में इन विद्वानों ने अपना अमूल्य योगदान दिया है। यूनानी विद्वानों की ही चर्चा हम लोग करने वाले हैं। ये जो शास्त्रीय काल है वो यूनान का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शास्त्रीय काल को यूनान का स्वर्ण काल भी हम लोग बोलते हैं। आवाज से संबंधित कोई भी समस्या आप लोगों को नहीं आ रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। सब कुछ सही चल रहा है। फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और वो क्वेश्चन की जो सीरीज है वो यूनानी चिंतकों से रिलेटेड होगी। क्या है? यूनानी चिंतकों से रिलेटेड होगी। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर मुझको आपके सामने रखना है, और आज की क्लास का जो बेटा पहला प्रश्न है वो ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। स्क्रीन पर पहला प्रश्न आपके सामने है, और इसमें आपसे क्या पूछा गया है देख लीजिए आप। इसमें आपसे पूछा गया है बेटा, Who composed the epic named Iliad? यानी कि Iliad नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी? होमर ने, थेल्स ने, Anaximander ने और Hecateus ने। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपके सामने क्वेश्चन है कि Iliad नामक जो महाकाव्य है उसकी रचना किसने की। अभी अभी मैं आपको बता रहा था कि भौगोलिक चिंतन का अध्ययन क्यों किया जाता है। इसके बाद मैंने बताया कि यूनानी जो विचारक हैं वो, उनके संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी दी, और अब वहां यहां से मैंने टॉपिक की शुरुआत कर दी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। उम्मीद है आप सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर लगा पाएंगे। पिंकी राजौरिया जी, सुरेश गौतम जी, रेणु सिंह जी, सुशील दुबे जी, राहुल कुमार जी, सबने इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को दिया है, जो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, ओडिसी और इलियड नामक दो महाकाव्य होमर महोदय के द्वारा लिखे गए थे। इन्होंने माना था कि पृथ्वी सागर सरिता से घिरी हुई है और आकाश लंबे लंबे खंभों पर टिका हुआ है।
सूर्य सागर सरिता से निकलता है और सागर सरिता में ही जाकर अस्त हो जाता है, इत्यादि जो मान्यताएं थी वो होमर नामक विद्वान की थी। और यहां पर एक पुस्तक का, एक महाकाव्य का नाम तो आ गया है, दूसरे महाकाव्य का भी नाम आप अपनी कॉपी पे, अपनी नोटबुक पे याद कर लेना, ओडिसी नामक महाकाव्य की रचना भी इन्होंने ही की थी। आज जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा यूनानी विद्वानों से, उनका संकलन मेरे पास है, तो आपको कहीं भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस ही आपको टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट की परीक्षा में सफलता का आधार बनेंगे, ये मेरा मानना है। रामदीन गौड़ जी, बहुत दिन बाद आए हो क्लास में, लेकिन सही समय पे आए हो बेटा। भौगोलिक चिंतन नामक यूनिट आज स्टार्ट हुई है, अब डेली क्लास लीजिए। कुमारी सपना जी, पिंकी राजौरिया जी, सिंह सिंह जी, सभी लोग डटे रहिए। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा, और आज की क्लास के इस दूसरे प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है ये भी देख लीजिए। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यूनान का पहला चिंतक दार्शनिक किसे माना जाता है। द फर्स्ट फिलोसोफर ऑफ ग्रीस इज कंसीडर्ड, ऑप्शन नंबर ए थेल्स को, ऑप्शन नंबर बी एनैक्सिमेंडर को, ऑप्शन नंबर सी होमर को, और ऑप्शन नंबर डी हेकेटियस को। चार ऑप्शंस आपके सामने, और चारों ऑप्शंस में से राइट आंसर का चयन आप लोगों को करना है। यूनान का पहला दार्शनिक किसको बोला जाता है, चिंतक और दार्शनिक किसको माना जाता है, ये आपको बताना है। आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का राइट आंसर लगा पाएंगे। कोई बोल रहा ऑप्शन नंबर सी को, कोई बोल रहा ऑप्शन नंबर ए को, यहां पर बिल्कुल कंफ्यूजन में आ गए आप लोग। रामदीन गोंड जी, सिंह सिंह जी, कुमारी सपना जी, रेणु सिंह जी, सुरेश गौतम जी, आप, पिंकी राजौरिया जी, सबके बीच मतभेद हो गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर ए थेल्स को। ध्यान रखिएगा, यूनान का पहला दार्शनिक, चिंतक, यात्री इत्यादि नामों से इसको सुशोभित किया जाता है, थेल्स महोदय को सुशोभित किया जाता है। आयोनियन दर्शन के पिता माने जाते हैं, थेल्स महोदय को आयोनियन दर्शन का पिता भी माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट काम इन्होंने किए गणितीय भूगोल के क्षेत्र में, अनेक प्रमेयों की रचना इन्होंने की। अभी ज्यादा कुछ बता दूंगा तो अगले प्रश्नों का जवाब आप ऐसे ही लगा दोगे। तो अभी ये थेल्स महोदय से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हैं, वो निश्चित तौर पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे अगले कुछ क्वेश्चंस के अंतर्गत। चलते हैं अगले प्रश्न के पास, है ना। तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखना है, और आज की क्लास का जो तीसरा प्रश्न है वो स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। मैंने अभी अभी बोला था आपसे, ज्यादा मैं एक्सप्लेन करूंगा तो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे, और यही हो गया। सिंह सिंह जी हंस रहे हैं भाई, है क्वेश्चन को देखकर। आयोनियन दर्शन का पिता किसे कहा जाता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ आयोनियन फिलोसफी। ऑप्शन नंबर ए है प्लेटो, ऑप्शन नंबर बी है अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी है थेल्स, और ऑप्शन नंबर डी है इरेटोस्थनीस। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। राइट आंसर का चयन आप लोगों को करना है कि क्या इस प्रश्न का सही जवाब होगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आखिरकार क्या होगा, ये आप लोगों को मुझे बता देना है। राइट आंसर इस प्रश्न का क्या है, देखिए इस प्रश्न के राइट आंसर की अगर हम चर्चा करें तो आप सभी लोग जानते हैं, अब कोई भी कंफ्यूज्ड नहीं होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आयोनियन दर्शन ब्रह्मांड विज्ञान से संबंधित एक दर्शन है, जिसमें जो जो इस आयोनियन दर्शन को मानने वाले लोग हैं उन्होंने पदार्थ की प्रकृति को विवेचित करने का प्रयास किया है, है ना। और इस आयोनियन दर्शन का पिता जिस विद्वान को माना जाता है उनका नाम है थेल्स, जो कि यूनान के पहले दार्शनिक भी माने जाते हैं। गणितीय भूगोल के क्षेत्र में इन्होंने विशेष योगदान दिया है और अनेक प्रमेयों की रचना भी इन्होंने की है। ध्यान रखिएगा, थेल्स महोदय काफी महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनसे आता है, लेकिन उसको मैं अभी अभी नहीं बताऊंगा, उसको बताऊंगा जब जब चौथा क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि फिर चौथे क्वेश्चन की आराम से एक्सप्लेनेशन आप अच्छी तरीके से कर सकते हो, आंसर आप लगा सकते हो। इसलिए देखिए, चौथा प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है, क्या आपसे पूछा गया है। प्रश्नों के माध्यम से प्रत्येक थ्योरी से रिलेटेड प्रत्येक फैक्ट प्रश्नों के माध्यम से आपके सामने है। इससे बेहतर क्लास थ्योरिटिकल और
ऑब्जेक्टिव क्लास आपको नहीं मिल सकती, यानी कि भले ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके सामने, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी की पूरी थ्योरी जो इन विचारकों से संबंधित है आपके सामने रखने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए चौथे प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है प्रथम विद्वान जिसने पृथ्वी को नापने तथा पृथ्वी तल पर स्थानों को अंकित करने का प्रयास किया वो कौन से थे। द फर्स्ट स्कॉलर हु ट्राइड टू मेजर द अर्थ एंड मार्क द प्लेसेस ऑन द अर्थ प्लेन वॉज, ऑप्शन नंबर ए इरेटोस्थनीज, ऑप्शन नंबर बी पैसिडोनियस, ऑप्शन नंबर सी अरस्तु और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर का चयन कर लीजिए। क्या इस प्रश्न का सही जवाब है, क्या इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर है, उसका चयन आप लोगों को करना है। आप मुझे इस प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है ये मुझे बता दीजिए। जल्दी से जल्दी आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। प्रथम विद्वान जिसने पृथ्वी को नापने तथा पृथ्वी तल पर स्थानों को अंकित करने का प्रयास किया वो कौन से थे, उसका नाम क्या था। चार ऑप्शंस हैं, आप सभी लोग बताएंगे। ए ए ए ए ए रामदीन गौड़ जी, सी सुरेश गौतम जी, ए राहुल कुमार जी, ए सिंह सिंह जी, ए रेणु सिंह जी, ए कुमारी सपना जी, ए और अब रामदीन गौड़ जी भी ए। लेकिन बेटा सबका जवाब गलत है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है बेटा। न तो इरेटोस्थनीज इस प्रश्न का सही जवाब, न पैसिडोनियस सही जवाब, न अरिस्टोटल सही जवाब, सही जवाब है थेल्स। ध्यान रखिएगा थेल्स, यानी कि वो प्रथम विद्वान जिसने पृथ्वी को नापने का प्रयास किया तथा पृथ्वी तल पर स्थानों को अंकित करने का प्रयास किया वो थेल्स थे, और कोई विद्वान नहीं थे। ध्यान रखिएगा बेटा, तो इसीलिए मैंने आपको भ्रमित करने के लिए या चौथे विकल्प के रूप में नन ऑफ दीज को लिया है, और अक्सर कर नन ऑफ दीज आंसर नहीं होता, लेकिन इस बार नन ऑफ दीज आंसर हो गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। धीरज सिंह जी पहली बार क्लास में आए हैं, लेकिन जब आए देर आए दुरुस्त आए, रेगुलर लीजिए आनंद आ जाएगा। चलेंगे पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने, ये रहा आज की क्लास का पांचवा प्रश्न, आपसे क्या पूछ रहा है ये देख लीजिए। आपको थेल्स से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते थे सब की जानकारी आप तक पहुंच गई, होमर से संबंधित जितने भी तथ्य हो सकते थे सब की जानकारी आप तक पहुंच गई। क्लास को द्वारा से आप देखिएगा, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। यही वो क्वेश्चन है जो आपको टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट परीक्षा में सफलता दिलाने में सक्षम है। देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, गणितीय भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है, गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। द फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी इज कंसीडर्ड टू बी, ऑप्शन नंबर ए थेल्स को, ऑप्शन नंबर बी एनैक्सिमेंडर को, ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों को, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन हैं आपके सामने, और चौथे इस पांचवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा ये आपको चयनित करना है। पांचवें प्रश्न का सही जवाब आखिरकार क्या है इसको आप सभी लोगों को चयनित करना है। उम्मीद है आप सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर लगा देंगे, और यहां पर मैं देख रहा हूं बच्चों के बीच फिर कंफ्यूजन है। धीरज सिंह जी बी, यानी कि कुछ बच्चे ए को, कुछ बच्चे बी को और कुछ बच्चे सी को इस प्रश्न का राइट आंसर बता रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जिन्होंने सी विकल्प को इस प्रश्न का राइट आंसर माना है वो बिल्कुल सही है। थेल्स महोदय के साथ साथ एनैक्सिमेंडर को भी गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। इन दोनों विद्वानों ने तथा अरस्तु नामक विद्वान ने भी गणितीय भूगोल के क्षेत्र में विशेष काम किया, गणितीय भूगोल को व्यवस्थित करने उसको आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाई है। तो दोनों के दोनों को गणितीय भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। लेकिन अभी आपको गणितीय भूगोल के क्षेत्र में एक चीज और जाननी है कि गणित भूगोल को चरम तक किसने पहुंचाया। देखिए तीन विद्वानों ने इसको आगे ले जाने में काम किया, जिसमें पहले नंबर पे थेल्स, दूसरे नंबर पे एलेक्जेंडर और तीसरे नंबर पे अरस्तु का नाम आता है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसको चरम तक पहुंचाने का श्रेय किसको जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लास के अंत में इस चीज का भी जवाब आप लोगों को मैं दूंगा कि गणितीय भूगोल को चरम तक पहुंचाने का श्रेय आखिरकार किसको दिया जाता है। चलेंगे अगला प्रश्न स्क्रीन पर रखना है, छठवां
प्रश्न आज की क्लास का होने जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर प्रश्न आपके लिए शानदार, बेहतरीन और एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। आप सभी लोग घर पे पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे ऐसा मेरा मानना है। क्लास आपको आनंददायक लग रही है कि नहीं, फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए। मैं देखना चाहता हूं कि कहीं कोई कमी आपके लिए तो नहीं रह रही है। चलिए भाई, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखने का समय अब हो चुका है। छठवां प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है और इसमें आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि जेस पीरियड्स नामक पुस्तक के रचनाकार थे। द ऑथर ऑफ द बुक जेस पीरियड्स वाज हेकेटियस, एनेक्सिमेंडर, प्लेटो, हेरोडोट्स। चार ऑप्शंस हैं आपके सामने और चारों ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। क्या इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर होगा? फटाफट से, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोग बोल रहे हैं बहुत शानदार लग रहा है क्लास को। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग लगाइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बाहर आ चुकी है। सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को इस प्रश्न का राइट आंसर बता रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है बेटा, हेकेटियस ही इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखिए, जेस पीरियड्स नामक पुस्तक जिसे प्रादेशिक भूगोल का पहला ग्रंथ माना जाता है, लिख लीजिएगा बेटा इस चीज को, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। प्रादेशिक भूगोल का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, प्रादेशिक भूगोल का प्रथम ग्रंथ इसको माना जाता है, प्रादेशिक भूगोल का प्रथम ग्रंथ इस चीज को माना जाता है। और ये जो जेस पीरियड्स नामक पुस्तक है, इसके माध्यम से हेकेटियस महोदय ने संपूर्ण विश्व का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। इसके दो खंड हैं। पहले खंड में यूरोप का वर्णन उन्होंने किया, दूसरे खंड में एशिया और लीबिया का वर्णन उन्होंने किया। और इसी के कारण सबसे पहले, सर्वप्रथम क्रम भूगोल का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत करने के कारण ही हेकेटियस को भूगोल का पिता भी कहा जाता है। द फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से भी हेकेटियस महोदय को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, कुछ पुस्तकों में, सॉरी, कुछ जगहों पर आंसर एरेटोस्थनीज भी हो जाता है, क्योंकि उन्होंने भूगोल में ज्योग्राफिया नामक शब्द का इस्तेमाल किया था पृथ्वी के लिए, है ना। तो इसी के साथ साथ हेकेटियस जो महोदय हैं उनको भी भूगोल का पिता माना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने जो है भूगोल का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत किया था इसके कारण से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखना है और वो है प्रश्न नंबर सातों। सातवां प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है देख लीजिए। आप पूछा गया है कि मिस्र को नील नदी का वरदान किसने माना था, ठीक है। Who was considered a boon of the Nile River? ठीक है, Herodotus, Eratosthenes, Hecateus, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। फटाफट से आप आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। Who considered Egypt as a boon ऑफ नाइल रिवर? अब इस प्रश्न को सही ढंग से आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश में। राइट आंसर का चयन अब आप लोगों को कर लेना है। रामदीन गौड़ जी, रेणु सिंह जी, धीरज सिंह जी, राहुल कुमार जी, सविता शर्मा जी, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का राइट आंसर लगा दीजिए, ठीक है। मेरे पास माजिद हुसैन की भूगोल चिंतन का इतिहास की बुक है, काफी पर्याप्त है मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी बुक हो पढ़िए, बस उसको पूरा पूरा पढ़िए और क्वेश्चंस को लगाइए जो मैं करा रहा हूं आप लोगों को। तो मिस्र को नील नदी का वरदान माना था, आखिरकार किसने माना था? आंसर आ गया है आपकी तरफ से, ऑप्शन नंबर ए। सभी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को इस प्रश्न का राइट आंसर मान रहे हैं, सभी के सभी विद्यार्थी, बिल्कुल सही जवाब है बेटा। ऐतिहासिक भूगोल का अध्ययन जिस विद्वान से जुड़ा हुआ है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण विद्वान है हेरोडोटस। बोले कि इतिहास का भूगोल की तरह अध्ययन किया जाना चाहिए और भूगोल का इतिहास की तरह अध्ययन किया जाना चाहिए। भूगोल का पिता पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि हेकेटियस को कहा जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं,
इतिहास का पिता आखिरकार किसे कहा जाता है? तो ऐसी स्थिति में जो आंसर होगा इतिहास के पिता को लेकर, वो आंसर होगा आपका हेरोडोटस। ध्यान रखिएगा, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने ही मिस्र को नील नदी का वरदान कहा था, और बिल्कुल सही कहा था बेटा। इसमें मात्र 3% इलाका मिस्र का कृषि योग्य है, जो कि नील नदी की घाटी के आसपास का क्षेत्र है, और इस 3% में भी यहां की 3/4 जनसंख्या इन्वॉल्व है। 3% कृषि योग्य क्षेत्र पर आधारित जो जनसंख्या है वो मिस्र की टोटल जनसंख्या का 3/4 है, ध्यान रखिएगा। तो इस आधार पर हम बिल्कुल कह सकते हैं कि मिस्र नील नदी का ही वरदान है। चलते हैं, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर से नई जानकारी, फिर से कोई महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आएगा। चलेंगे, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है, और आज की क्लास का जो 8वां प्रश्न है वो ये रहा आपके सामने। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? हेरोडोट संबंधित थे, हेरोडोट वाज रिलेटेड टू, ऑप्शन नंबर ए यूनान से, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस से, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी से, और ऑप्शन नंबर डी अमेरिका से। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, सभी के सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर लगा सकते हैं। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आप सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर लगाइए। मैं आपसे इस प्रश्न का राइट आंसर जानना चाहता हूं। आप सभी लोग इस प्रश्न का क्या सही उत्तर लगाते हैं, एक बार मेरी अपेक्षा यही है कि उसको देखने की। चलिए भाई, मैं देख पा रहा हूं यहां पर आपके सामने हूं, वंदना यादव जी, रुचि यादव जी, रामदीन गौड़ जी, सुरेश गौतम जी, सिंह सिंह जी, रेणु सिंह जी, रुचि यादव जी, गुंजन यादव जी, धीरज सिंह जी, कुमारी सपना जी, आप सभी लोगों का आंसर मेरे सामने आ रहा है। आप सभी लोगों का आंसर मेरे सामने आ रहा है, लगे रहिए बेटा इसी प्रकार से। और सभी की सभी लोगों को मैं देख पा रहा हूं, सबके कमेंट देख पा रहा हूं, मोबाइल में भी मेरी में वीडियो चल रही है, और यहां पर लैपटॉप में भी सब कुछ मेरे सामने है। तो देखिए, इस प्रश्न का आप लोगों ने जो जवाब दिया है वो जवाब आपकी तरफ से आ रहा है ऑप्शन नंबर ए के रूप में। किसके रूप में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए के रूप में आप सभी लोगों ने इस प्रश्न का राइट आंसर लगाने का प्रयत्न किया है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम समझाते हैं कि ऑप्शन नंबर ए क्यों इस प्रश्न का सही जवाब है। देखिए, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, यूनान से ही संबंधित थे। क्योंकि आज की क्लास के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता चुका हूं कि जितने भी यहां पर क्वेश्चंस हैं वो यूनानी चिंतकों से रिलेटेड हैं। यूनानी चिंतकों से रिलेटेड क्वेश्चंस की चर्चा मैं आपके साथ यहां पर कर रहा हूं, तो निश्चित तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं। कक्षा 5 का भी कोई बच्चा होता तो वो भी अंदाजा लगा सकता था कि आज की इस क्लास में, चूंकि गुरुजी लेकर आए हैं क्या भौगोलिक चिंतन, और वो भी क्या लेकर आए हैं? यूनानी चिंतक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? यूनान से, है ना। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये जो हेरोडोटस महोदय हैं ये काफी महत्वपूर्ण विचारक थे, ऐतिहासिक भूगोल के क्षेत्र में काम किया, इतिहास का पिता इनको के नाम से इनको जाना जाता है। मिस्र को नील नदी का वरदान इन्होंने कहा। और अभी एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण है, जो कि यहां पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि एक्सप्लेन अगर कर दिया तो अगले प्रश्न का आंसर आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। चलेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य मैं हेरोडोट से रिलेटेड आपको बताऊंगा, और देखिए इस प्रश्न का आंसर सबसे पहले आप लगाइए। आज की क्लास में ही वो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपको प्राप्त होगा। द फर्स्ट स्कॉलर हु ट्राइड टू ड्रॉ द मेरिडियन ऑन द वर्ल्ड मैप वॉज, प्रथम विद्वान जिसने विश्व मानचित्र पर याम्योत्तर खींचने का प्रयास किया था वो कौन से थे? और पेसिडोनियस, अरस्तु, इरेटोस्थनीज, और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, लगाइए फटाफट, लगा डालिए आंसर क्या है, और एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। जो बच्चे सो रहे हैं, मूर्ख हैं, जिनको नहीं पता है कि भौगोलिक चिंतन के नाम से एक सबसे महत्वपूर्ण यूनिट भूगोल की यहां पर स्टार्ट हो चुकी है, उन मूर्खों को जगाइए, फटाफट से स्टेटस पे लगाइए। चलिए देखिए, इस प्रश्न का जवाब भी आप देते चलिए। देखिए भाई, ऑप्शन नंबर सी 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 इस प्रश्न का आंसर आप लोगों ने दिया है, और आप सभी के लिए खुशखबरी यह है कि आप सभी गलत हैं, आप सब गलत हैं, किसी का भी आंसर बिल्कुल सही नहीं है। ना ए वालों का सही, ना बी वालों का सही, ना सी वालों का सही, क्योंकि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ना ए है, ना बी है, ना सी है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, जो कि आप नहीं जान पा रहे हैं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको कंफ्यूज करने का प्रयास है, ऑप्शन नंबर डी कंफ्यूज कर रहा है आपको।
वो विद्वान जिसने मुयाम्योत्तर खींचने का प्रयास किया था बेटा, वो हेरोडोट्स थे। कौन थे? हेरोडोट्स थे। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, कोई भी परीक्षा हो, किसी भी परीक्षा में बैठ जाना इस प्रश्न को लेकर। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न फिर से आपके सामने आ रहा है और एक और बेहतरीन जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होने वाला है आज की क्लास का जो अगला प्रश्न है। वो दमदार प्रश्नों की सीरीज यहां पर चल रही है और इन प्रश्नों के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कितना इंपॉर्टेंट सेशन है, कितनी इंपॉर्टेंट यूनिट है। और हर उस फैक्ट को मैं बता रहा हूं जो कि आप नोट करके अपने नोट्स बना सकें। चलेंगे अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने, ये रहा दसवां प्रश्न है। अच्छी तरीके से पढ़िए, सोचिए, समझिए और इस प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्न में आपसे पूछा गया, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में विकसित करने का प्रयास किस विद्वान ने किया था? Tried to develop geography as a separate discipline form. Option number A, Hecatius ने, option number B है, Eratosthenes ने, option number C, Thales ने, और option number D, इनमें से कोई नहीं। चार options आपके सामने हैं। सही सही जवाब का चयन आप लोगों को करना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, मैं आप लोगों से इस प्रश्न का राइट आंसर ले लेता हूं। आप सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या बता रहे हैं, जरा एक बार हम लोग देख लेते हैं। आप सभी लोगों के आंसर मेरे सामने हैं, जल्दी से आंसर लगाते चलिए। और इस प्रश्न में ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर बी को इस प्रश्न का सही जवाब बताया है, यानी कि भूगोल को अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में विकसित करने का जो प्रयास आपके अनुसार किया वो इरेटोस्थनीज ने किया, जो बिल्कुल सही जवाब है। इरेटोस्थनीज ने ही भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में विकसित करने का प्रयास किया। इन्होंने पृथ्वी को 5 जलवायु गठबंधनों में विभाजित किया था। कितने? 5। कितने जलवायु गठबंधनों में? 5। एक विशेष महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना इन्होंने की जिसका नाम था ज्योग्राफिया। ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफिया इनके कुछ विशेष कारनामे में बता रहा हूं, इनके कुछ विशेष महत्वपूर्ण इनसे रिलेटेड तथ्य बता रहा हूं, जहां से अक्सर कर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर तो सही है। अगले प्रश्नों के माध्यम से इरेटोस्थनीज से पूछे जा सकने वाले वो सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे हो जाएंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आ सकते हैं। ये रहा आज की क्लास का 11वां प्रश्न, देख लीजिए अच्छी तरीके से। 11वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। क्या पूछा गया है देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध ज्योग्राफिया नामक पुस्तक लिखी थी, ज्योग्राफिया नामक पुस्तक को किसने लिखा था, यह बताना है आप लोगों को, ठीक है। द फेमस ज्योग्राफिया बुक वॉज रिटन बाई, ज्योग्राफिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ठीक है बेटा, फटाफट से बता दीजिए। इरेटोस्थनीज ने, पार्कस ने, अरस्तू ने, और इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से राइट आंसर का चयन कीजिए। मुझे पता है आप राइट आंसर लगा सकते हो, सही सही जवाब आपको बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब, एग्जैक्ट आंसर क्या है ये बताइए आप। गूगल का गूगल फॉर्म का लिंक मेरी क्लास से अटैच्ड है, इस फॉर्म को आप फिलअप करिए जिससे कि डाटा हमारे पास पहुंच सके कि आप इस क्लास को लेने में इंटरेस्टेड हैं और आपके भले के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए जा सके। तो गूगल फॉर्म लिंक्ड है मेरी क्लास के साथ, उसको आप भरना ना भूलिए, जरूर भरिएगा, ठीक है। तो चलेंगे भाई, तो इस प्रश्न का राइट आंसर मैं पहले ही बता चुका हूं, ऑप्शन नंबर ए, इरेटोस्थनीज इस प्रश्न का सही जवाब है। इन्होंने ही ज्योग्राफिया नामक पुस्तक लिखी, भूगोल को अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में विकसित करने का प्रयास किया, पृथ्वी को 5 ताप गठबंधनों में विभाजित करने का भी इन्होंने प्रयास किया था। अगले क्वेश्चन में कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स की जानकारी इरेटोस्थनीज से संबंधित आप लोगों को प्राप्त होगी, वो ये रहे। चलेंगे 12वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने, ये रहा। इस 12वें प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है देखिए, प्रथम विद्वान जिसने नोमोन की सहायता से विषुवत रेखा की सही लंबाई ज्ञात की वो कौन से है? द फर्स्ट स्कॉलर हु फाउंड द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द इक्वेटर विद द हेल्प ऑफ नोमोन, ऑप्शन नंबर ए है पार्कस, ऑप्शन नंबर बी थेल्स, ऑप्शन नंबर सी एनैक्सिमेंडर, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर का चयन करना है, सही जवाब आखिरकार क्या है इसको चयनित करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग राइट आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, दो विकल्पों पे आप कंफ्यूज हो गए,
कुछ लोग ऑप्शन नंबर हिप्पारकस को और कुछ लोग एनेक्सिमेंडर को इस प्रश्न का राइट आंसर बता रहे हैं। फटाफट से और सभी लोग जो शांत बैठे हुए हैं वो इस प्रश्न का राइट आंसर लगाइए बेटा, क्या इस प्रश्न का सही जवाब हो सकता है। और आप सभी लोगों ने प्रश्न का जवाब देने का प्रयत्न किया है, शेयर 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 करिए क्लास को फटाफट से, बेहतरीन बेहतरीन प्रश्नों का संकलन शेयर करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, इस प्रश्न का राइट आंसर लगाने में एक बार फिर सभी के सभी कंफ्यूज हैं, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आज मैंने पूरी तरीके से आपको भ्रमित करके रख दिया है, रटा रटा एबीसी आंसर देते हो बेटा, डी तो देते ही नहीं हो, लेकिन ये डी आंसर इस प्रश्न का राइट आंसर है, इरेटोस्थनीज सही जवाब है, इरेटोस्थनीज इस प्रश्न का सही जवाब है। इरेटोस्थनीज ही वो विद्वान थे जिन्होंने नोमोन नामक यंत्र की सहायता से विषुवत रेखा की सही सही लंबाई ज्ञात की थी। विषुवत रेखा की सही सही लंबाई इन्होंने ज्ञात की थी, भूगोल के पिता के तौर पर भी जाना जाता है, और कुछ फैक्ट मैंने आप लोगों को पिछले उसमें बता दिए थे। ठीक है भाई, चलेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने रखना है। तो बेटा डी ऑप्शन पर भी ध्यान दिया करिए, ए बी सी में नाम लिखे हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए बी सी ही सही विकल्प होंगे, कई बार डी भी चौंका देता है। ठीक है, चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने 13वां प्रश्न है बेटा, यूनिट व्हाट ऑफ है खुशबू सिंह जी, इस यूनिट की वजह से बुखार आ जाता है बच्चों को, इस यूनिट का अध्ययन करने में बच्चों को बुखार आ जाता है, और आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो इसमें कोई परेशान होने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्या इसमें पूछा गया, ये देख लीजिए, द फर्स्ट स्कॉलर हु डिवाइडेड द सर्कल बाई 360 डिग्री, प्रथम विद्वान जिसने वृत्त को 360 डिग्री से विभाजित किया वो कौन से थे, हेरोडोट्स, इरेटोस्थनीज, एनेक्सिमेंडर, हिप्पारकस। चार ऑप्शंस आपके सामने, और इन चार ऑप्शंस में से जो राइट आंसर है वो आखिरकार क्या है, ये आप लोग मुझे बताइए राइट आंसर आखिरकार क्या है। द प्रथम विद्वान जिसने वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया था उसका नाम क्या है। देखिए अगर मैं बात करूं उस विद्वान की जिसने वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया, तो आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर लगा रहे हैं डी 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 डी, कुछ लोग ऑप्शन नंबर बी को भी सही बता रहे हैं, कुछ लोग ऑप्शन नंबर ए को भी सही बता रहे हैं, क्योंकि अब कंफ्यूज हो गए बेचारे बच्चे, उनको अगर ए को पकड़े तो डी सही हो जाता है, बी को पकड़े तो सी सही हो जाता है, क्या करें। तो ए बी सी डी चारों लगा दो, एक बोलो ए, एक बोलो बी, एक बोलो सी, एक बोलो डी, तो चारों में से कोई ना कोई तो सही हो ही जाएगा। बेटा आंसर ऑप्शन नंबर डी ही एक बार फिर से सही है, प्रथम विद्वान जिसने वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया उसका नाम हिप्पारकस है, असीरियन गणित की सहायता से, किसकी सहायता से, असीरियन गणित की सहायता से, ध्यान रखिएगा असीरियन गणित की सहायता से हिप्पारकस महोदय ने वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया था, 11 जलवायु कटिबंधों में इन्होंने पृथ्वी को विभाजित किया है हिप्पारकस ने, क्लाइमाटा इनका इनको नाम दिया। ठीक है, इनका ही विशेष योगदान है कि असीरियन गणित की सहायता से 360 डिग्री में वृत्त को इन्होंने विभाजित किया है। बहुत महत्वपूर्ण यूनानी चिंतक रहे हैं हिप्पारकस, और हिप्पारकस से जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि आगे वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए 14वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने मुझे रखना है, और आज की क्लास का जो 14वां प्रश्न है वो ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए क्या पूछा गया है आपसे, पूछा गया एस्ट्रोलैब नामक यंत्र की खोज किसने की थी, द डिवाइस नेम्ड एस्ट्रोलैब वॉज डिस्कवर्ड बाई, ऑप्शन नंबर ए पेसिडोनियस, बी होमर, सी पार्कस, डी हेरोडोट्स। चार ऑप्शंस आपके सामने, अब बताइए आप फटाफट से, एक यंत्र का नाम तो आपने सुना होगा नोमोन, और दूसरा एक यंत्र यहां पर आ गया एस्ट्रोलैब जिसको माना जाता है कि ये नोमोन से भी ज्यादा बेहतर था, और ये नोमोन और एस्ट्रोलैब संबंधित किससे थे, देशांतर निश्चित करने से, किसी स्थान के लॉन्गिट्यूड फिक्स करने से रिलेटेड थे। ठीक है, और नोमोन की तुलना में एस्ट्रोलैब नामक एक यंत्र और बेहतर माना गया जिसकी खोज किसने की थी, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है बेटा, जल्दी 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 बताइए। संगीता कुमारी जी समझ में जब आएगा जब आप पढ़ेंगी, पहले आप ज्योग्राफिकल थिंकर्स नामक यूनिट में यूनानी चिंतकों को पढ़िए अच्छी तरीके से, तब समझ में आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो बताइए बेटा फटाफट से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है।
चलिए आंसर आपकी तरफ से आगे ए सी ए सी ए सी ए सी रहमन ए सी राखिए बिन ए सी सब सुन। ध्यान रखिए मार्केट में ए सी की बहुत ज्यादा वैल्यू है, ए सी ए सी ए सी आप बोल रहे हो। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। हिप्पार्कस महोदय ने ही एस्ट्रोलैब नामक यंत्र की खोज की थी जो नोमोन से ज्यादा उपयोगी है और इसका संबंध वही देशांतर फिक्स करने से रिलेटेड है। ठीक है भाई, तो इस प्रश्न का भी एग्जैक्ट आंसर आप लोगों को प्राप्त हो चुका है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा। आगे बढ़ते हैं, चंदन श्रीवास्तव जी, चंदन श्रीवास्तव जी को क्लास में स्वागत है बेटा। लेट आए हैं लेकिन क्लास को कंटिन्यू करोगे तो भौगोलिक चिंतन पूरी तरीके से समझ में आएगा। 15वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखना है और 15वें प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है देखिए, ये रहा आज का 15वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने। 15वें प्रश्न में आपसे पूछा गया द ओसीन नामक पुस्तक किसने लिखी थी। द बुक द ओसीन वाज रिटन बाय पेसिडोनियस ने, पार्कस ने, रेटोस्थेनीज ने, इसमें से कोई नहीं। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं और चारों ऑप्शंस में से राइट आंसर का चयन आप लोगों को करके मुझे बता देना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर क्या है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, फटाफट से बताइए। चलिए भाई आप आंसर आने लग गए। ऑप्शन नंबर ए को इस प्रश्न का सही जवाब बताया जा रहा है। पिंकी राजौरिया जी, सुरेश गौतम जी, रेणु सिंह जी सभी बहुत खुश हैं आज की क्लास से, क्वेश्चन गदगद कर रहे हैं, आनंदित महसूस कर रहे हैं। आपने जो पढ़ा उसको उसके उसका वो क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को चेक कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं और परीक्षण में जब सफलता महसूस हो रही है तो कितने खुश हैं बच्चे, पूरे हर्षोल्लास के साथ हर प्रश्न का आंसर देते हुए। ऑप्शन नंबर ए को सही जवाब बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है बेटा। द ओसी नामक पुस्तक पेसिडोनियस महोदय ने ही लिखी थी और ये पेसिडोनियस महोदय समुद्र विज्ञान के प्रमुख विशेषज्ञ थे, महासागरों की गहराई ज्ञात करने का भी इन्होंने प्रयास किया था। ये भी जो चीज मेरे मुंह से निकल रही है सब कुछ नोट करते रहना, नोट कर लिया तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ध्यान रखिएगा। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखना है। 16वां प्रश्न होगा आज की क्लास का और उस प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया देख लेते हैं। प्रश्न में आपसे पूछा गया कि भौतिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। Who is known as the father of physical geography? ऑप्शन नंबर ए थेल्स, ऑप्शन नंबर बी होमर, ऑप्शन नंबर सी कैटियस और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको भूगोल का पिता तो चला पता चल गया कि कैटियस को भी कहा जाता है और एराटोस्थनीज को भी कहा जाता है, लेकिन अब यहां पर बताना है कि भौतिक भूगोल का पिता किसे कहते हैं। तो भौतिक भूगोल का पिता जिस विद्वान को माना जाता है उस विद्वान का नाम आप सभी लोग बताएंगे। आप सभी लोगों में से किसी ने ए को किसी ने डी को इस प्रश्न का राइट आंसर माना है और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही है। ध्यान रखिए जिसने ऑप्शन नंबर डी को सही जवाब माना वो बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का राइट आंसर है बेटा पेसिडोनियस, पेसिडोनियस ध्यान रखिएगा, पेसिडोनियस को ही भौतिक भूगोल का पिता कहा जाता है। समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए, ज्वार वाटे की स्थिति को समझाने का प्रयास किया, महासागरों की गहराई ज्ञात करने का प्रयास किया और इसीलिए भौतिक भूगोल का पिता के तौर पर इनको जाना जाता है पेसिडोनियस महोदय को। और चूंकि पेसिडोनियस विकल्प में ही शामिल नहीं है इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बेहतरीन जवाब, बेहतरीन परफॉर्मेंस आप सभी लोगों की है। इस यूनिट को कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला। जो भूगोल के विद्यार्थी हैं अगर इस यूनिट को पार कर गए तो समझ लीजिए आपने सब कुछ पार कर लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, टिपिकल यूनिट है बेटा। आप पढ़िए क्लास से पहले, कल मैं रोमन विचारकों से संबंधित क्वेश्चंस लेके आऊंगा, आज यूनानी विचारकों से संबंधित क्वेश्चंस थे, कल रोमन विचारकों की चर्चा होगी और रोमन विचारकों से संबंधित कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आपके सामने होगा। आप फटाफट से अपने आप को तैयार कर लीजिए। 17वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। 17वें प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है बेटा 17वें प्रश्न में कि देखिए सर्वप्रथम रेखा जाल के आधार पर विश्व मानचित्र किसने बनाया था। रेखा जाल यानी कि वही अक्षांश देशांतर, वही रेखा जाल है। साधारणतः इन्होंने देशांतरों का प्रयोग बखूबी किया है, ठीक है, यूनानियों ने। तो इस प्रश्न क्या पूछा गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड मैप वाज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द लाइंस। ऑप्शन नंबर ए है जर्मन स्कॉलर्स, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच स्कॉलर्स, ऑप्शन नंबर सी अमेरिकन स्कॉलर्स और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। चार ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर का चयन आप लोग करिए फटाफट से, फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब लगाइए। ठीक है भाई, जल्दी से जल्दी।
जल्दी से जल्दी डी ऑप्शन आप लोगों की तरफ से इस प्रश्न का सही जवाब आ रहा है, डी ऑप्शन। अब तो आप समझ गए कि गुरुजी ने मूर्ख बना दिया हम लोगों को। अब मेरी कमजोरी आपने पकड़ ली। मैंने ज्यादातर क्वेश्चंस का आंसर आज डी इसीलिए लगाया, इनमें से कोई नहीं इसीलिए लगाया, जिससे कि आपके डिटर्मिनेशन को चेक किया जा सके कि आप किसी क्वेश्चन को लेकर कितने डिटरमाइंड हैं। बिल्कुल सही जवाब है बेटा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यूनानी जो स्कॉलर्स थे, यूनानी जो चिंतक थे, ग्रीक स्कॉलर्स जो थे, वो इस प्रश्न का सही जवाब है। सर्वप्रथम रेखा जाल के आधार पर विश्व मानचित्र उन्होंने ही बनाए थे। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखने की बारी है और आज की क्लास का होगा 18वां प्रश्न। आज देखिए प्रश्नों का भी ज्यादा प्रश्न आपको मिल गए, डेली 15 प्रश्नों पर चर्चा होती थी, आज 18वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। और 18वें प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, आप जोश में हैं तो मैं पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा हूं। इसमें पूछा गया कि वनस्पति भूगोल, ठीक है, वनस्पति भूगोल की नींव डाली थी, द फाउंडेशन ऑफ वेजिटेशन ज्योग्राफी वाज लेड बाय, ऑप्शन नंबर ए अरस्तू ने, ऑप्शन नंबर बी प्लेटो ने, ऑप्शन नंबर बी थियोफ्रेस्टस ने और ऑप्शन नंबर डी पाइथागोरस ने। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, चारों ऑप्शंस में से राइट आंसर का चयन आप लोगों को बताना है। भौगोलिक चिंतन की क्लास है सविता शर्मा जी, ये भौगोलिक चिंतन में पहला टॉपिक है यूनानी विचारक, तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। सविता शर्मा जी परेशान ना होइए, आप जो कह रही हैं बस उसी से रिलेटेड क्लास है। सी 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 विकल्प को सही जवाब बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है बेटा। थियोफ्रेस्टस ही वो यूनानी विद्वान थे जिन्होंने वनस्पति और जलवायु में, ध्यान रखिएगा, वनस्पति और जलवायु में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। वनस्पति और जलवायु के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास जिस विद्वान ने किया, उस विद्वान का नाम जो है, उस विद्वान का नाम है थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस नाम है उस विद्वान का। बिल्कुल सही जवाब आप सभी लोगों ने दिया है। एक बार फिर से आप सभी लोगों से मेरी अपील है कि इस क्लास को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर इस क्लास को कर दीजिए, जिससे कि आपके साथी जो क्लास में अटेंड करने से इस समय रह रहे हैं वो क्लास से जुड़ सके और क्लास का भरपूर आनंद ले सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, और प्रश्न नंबर 19 में आपसे क्या पूछा गया है देख लीजिए। प्रश्न नंबर 19 में आपसे पूछा गया है कि महासागरों की गहराई ज्ञात करने वाला प्रथम विद्वान कौन सा था, महासागरों की गहराई ज्ञात करने वाला प्रथम विद्वान कौन सा था, यह बताना है। द फर्स्ट स्कॉलर टू नो द डेप्थ ऑफ द ओसीन वाज पेसिडोनियस, थियोफ्रेस्टस, अरस्तू, प्लेटो। चार ऑप्शंस हैं आपके सामने, राइट आंसर का चयन कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब आखिरकार क्या है ये मुझे बता दीजिए, और मुझे बताना है आप लोगों को, आप सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर जानते हैं, जल्दी से जल्दी बताइए बेटा इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। चंदन श्रीवास्तव जी, डेली 1 बजे ज्योग्राफी की क्लास होती है, डेली 1 बजे होती है बेटा, 1 बजे आप लीजिए। और आज आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि जो विद्यार्थी लेट आए हैं उन सभी को आज एक बार फिर से क्लास मिलेगी एग्जामपुर टीचिंग स्कूल पर, एग्जामपुर टीचिंग स्कूल, ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है, जिनकी क्लास छूट गई है उनको भौगोलिक चिंतन एक बार फिर से शुरू से पढ़ने का मौका मिल जाएगा एग्जामपुर टीचिंग स्कूल पर। रात्रि 9 बजे 9 PM पर मैं भौगोलिक चिंतन की क्लास लेने वाला हूं। तो शुरू से जिसको मेरे साथ जुड़ना है, शुरू से ABCD जाननी है भौगोलिक चिंतन की, TGT PGT परीक्षाओं की, वो रात के 9 बजे जुड़ जाइएगा इस क्लास से। एग्जामपुर टीचिंग स्कूल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फिर उसमें जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोगों को पता है, पेसिडोनियस इस प्रश्न का राइट आंसर बेटा। मैंने बताया भौतिक भूगोल का पिता कहते हैं, महासागरों की गहराई ज्ञात करने का इन्होंने प्रयास किया था, समुद्र विज्ञान के विशेषज्ञ थे। चलिए बहुत अच्छा बेटा, इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी लोगों ने बताया। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न है, और 20वें प्रश्न को मैं आपसे क्या पूछा गया देख लीजिए। वो क्वेश्चन जो मैं आपसे बता रहा था कि आपको मैं बताऊंगा कि गणितीय भूगोल को चरम तक ले जाने का काम किसने किया, वो यहां पर आपके सामने है।
गणितीय भूगोल को चरम तक पहुंचाने का श्रेय किसे है? गणितीय भूगोल को चरम तक पहुंचाने का श्रेय किसे है? द क्रेडिट ऑफ टेकिंग मैथमेटिकल ज्योग्राफी टू द एक्सट्रीम गिव्स टू ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी थेल्स, एनैक्सिमेंडर, सी ऑप्शन नंबर डी इरेटोस्थनीज। चार ऑप्शन है आपके सामने। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को लगाना है। फटाफट से लास्ट प्रश्न पे एक बार फिर शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आपके साथ ही जुड़ सके। कम से कम ज्यादा नहीं तो इस लास्ट प्रश्न को तो देख ही लें, ज्यादा नहीं तो इस प्रश्न को तो देख ही लें, कम से कम जो बच्चे रह गए वो भी देख लें। और आप लोगों का आंसर जो यहां पर निकल कर आ रहा है वो इस प्रश्न का बी बी। सिंबू यादव जी, रामदीन गौड़ जी, पिंकी राजौरिया जी, सुरेश गौतम जी, सिंह सिंह जी, आप सभी लोगों का आंसर मेरे सामने है। और जो राइट आंसर आपकी तरफ से लगाया जा रहा है वो सी ऑप्शन को लगाया जा रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है बेटा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। देखिए क्यों सही जवाब है, क्योंकि अरस्तु, थेल्स और एनैक्सिमेंडर तीनों विद्वानों ने गणितीय भूगोल को व्यवस्थित करने, उसे आगे ले जाने का प्रयास किया। लेकिन अगर हम बात करें चरम तक पहुंचाने की, तो टॉप तक ले जाने का प्रयास जो किया वो इरेटोस्थनीज महोदय ने किया। किसने किया? इरेटोस्थनीज महोदय ने किया। इरेटोस्थनीज महोदय ने ही उसको टॉप पर पहुंचाया। और इरेटोस्थनीज को इसीलिए भूगणित का पिता भी कहा जाता है, भूगणित का संस्थापक, भूगणित का पिता के तौर पर उसको जाना जाता है। जियोडेसी का फादर, द फादर ऑफ जियोडेसी, इरेटोस्थनीज को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। यूनानी विचारकों से संबंधित जितने भी प्रश्न यहां पर आए हैं वो सब के सब मैंने आप लोगों को बताने का प्रयत्न किया है। चंदन श्रीवास्तव जी, थ्योरी से रिलेटेड एग्जैक्ट क्लास तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस के माध्यम से प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझना है तो फिर आ जाइए। प्रतिदिन 1 बजे स्वागत है क्लास में आपका, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, कोई इसका चार्ज नहीं है आपके लिए। ठीक है, चलेंगे बढ़ेंगे कल के लिए, फिर मेहनत करूंगा मैं। चलने का समय अब आ गया है, रोमन विचारकों पर कल चर्चा करेंगे 9 बजे। आप फिर से जिसको भी भौगोलिक चिंतन शुरू से पढ़ना है आ जाइएगा एग्जाम्पल टीचिंग स्कूल पर। और अब हम चलने की इजाजत आपसे चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।